अल्लाहु अकबर। मैं कल एक आलिम दीन रात को बैठा हुआ पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम जैसे समझते हैं कि अच्छा रमज़ान गुजरा तो पूरे साल के लिए शायद अच्छा हो। कह रहे नहीं, कह रहे हर रमज़ान जिंदगी का पूरी एक उम्र के लिए अच्छा है, पूरी एज के लिए हर रमज़ान। यानी ऐसा नहीं मैंने आज अच्छा रमज़ान किया तो मैं एक साल तक, नहीं, एक रमज़ान अच्छा यानी पूरी एज। क्या है? वमा दरा खमा लैलतुल कद्र, और तुम नहीं जानते लैलतुल कद्र क्या है। हजार महीनों से बेहतर है, थाउजेंड मंथ से बेहतर। थाउजेंड मंथ को कैलकुलेट करें आप कितना होता है, थाउजेंड मंथ को कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 82 ईयर्स। कितनी जिंदगी है हमारी। खुदा हमारे बुजुर्गों की जिंदगी दराज करे, इनके साए को हमारे ऊपर कायम रखे। इन्हीं की मेहनत है जो आज आप लोग यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, वरना जो आज माशरा जा रहा है वो तो कहीं और बैठा हुआ है। ये वाकई नहीं, इन्होंने बहरहाल जहमतें की, मेहनतें की, मुश्किलात बेर की और आज आपको इस तरह के सेंटर बना दिए, चीज़ें बना दी। अभी आपकी जिम्मेदारी है इसको लेके आगे चलना, आने वाली नस्ल को आपकी जिम्मेदारी है। अब इनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने इनको दी, इनकी सेहत। कितनी एज है? 82 ईयर्स। 82 ईयर्स तो आजकल जिंदा ही कोई नहीं है। आज तो 25 साल में फारिग हो रहा जवान, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ज़ाहिर है फास्ट फूड की पैदावार यही होता है, जल्दी जल्दी आदमी खाता है, जल्दी जल्दी दुनिया से भी चला जाता है। ये है, हम 82 ईयर्स तो जिंदा भी नहीं है, और ये एक रात 82 ईयर्स से बेहतर है एक रात। यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने एक रमज़ान भी बेहतर कर लिया तो मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन ये करूँ कैसे, मसला यही है। और इसमें जब तक मेरा दिल ना तड़पे, अज़ान मोहतरम रात को दुआएं आप देखें, दुआए अबू हमज़ा उस्मानी, इलाही ला तुअद्दिबनी मिन हुकूमतिक, ऐ परवरदिगार मुझे अजाब से अदब ना सिखा। यानी हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं अदब? यानी बच्चा मान नहीं रहा होता तो हम उसको दो चार लगाते हैं, उसके ऊपर सख्ती करते हैं, उसकी चीज़ें बंद कर देते हैं, ताकि क्यों, ताकि सही हो जाए। और मेरा इमाम खुदा से क्या कह रहा है, इलाही ला तुअद्दिबनी बेअक़ूबत, ऐ परवरदिगार मुझे अजाब से, सख्ती से बाअदब ना बना, तो मुझे वैसे ही कर दे। क्या जुमले! यानी मैं जब अपने वजूद को, अपनी अश्कों को, अपने आँखों को जब इन लफ्ज़ों से मेराज दूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा ये कोई और महीना है, ये कोई और कहानी है, ये कोई और जगह आ गया हूँ मैं। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी को उसी तरह चल रहा हूँ और अपने जो सबसे बेस्ट काम, अगर आप चाहते हैं कि चेंज करें, प्रैक्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ, कंट्रोल योर थॉट्स, अपनी सोचों को कंट्रोल करें। यानी अगर कोई गलत चीज आ रही है, आना चाहती है, आप उसको बोलो स्टॉप, रुक जाओ। बोलेगी क्यों? बोला अभी रमजान है, मैं भी सोचना भी नहीं चाहता। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर एक खुद एक चीज होगी कि एक अंदर से एक सिस्टम जो है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो रहा है।